हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। इसमें हम जानेंगे डायरिया क्या होता है, डायरिया के कॉजेज क्या हैं, एंड कौन कौन सी मेडिकेशन डायरिया में दी जाती है, एंड नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डायरिया के लिए, पेशेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम डायरिया के बारे में जान लेते हैं कि डायरिया क्या होता है। डायरिया इज़ मैनिफेस्टेड बाय द फ्रीक्वेंट इवैक्यूलेशन ऑफ द वाटरी स्टूल। तो डायरिया में क्या होता है कि पेशेंट को कंटिन्यू वाटरी स्टूल आना शुरू हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में मोटिलिटी होने की वजह से जो स्टूल है वो वाटरी स्टूल बन करके पास आउट होना शुरू हो जाता है। देर इज़ अ रैपिड पैसेज ऑफ फीकल कंटेंट थ्रू द लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि इसमें क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होने की वजह से, बढ़ने की वजह से जो फीकल होता है, जो स्टूल होता है, वो लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू होते हुए ये पास होता है। दिस रिड्यूस द टाइम अवेलेबल फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन टू रीअब्सॉर्व द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें क्या होगा कि जो वाटरी स्टूल है जो आना शुरू होता है, ये किस वजह से होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो जो फूड होता है, जो कंटेंट प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, उसको अब्जॉर्व नहीं कर पाती है। जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है उसको अब्जॉर्व करने के लिए, जिसकी वजह से वो वाटरी स्टूल में बदल करके आना शुरू हो जाता है। इट इज़ द कॉन्सिस्टेंसी ऑफ द स्टूल दैट इज़ मोर डिफिनेट फॉर द डायरिया देन द इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एडिक्शन। स्टूल की कॉन्सिस्टेंसी कैसी होगी, इसमें जो स्टूल होगा वो वाटरी ज़्यादा होगा और उसमें जो फॉर्मेट नहीं होगा और वाटरी स्टूल ज़्यादा होता है। एंड अलॉन्ग विद द हाई वाटरी कंटेंट डायरिया स्टूल ऑल्सो मे द कंटेंट म्यूकस विच कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज द वॉल्यूम। जैसे कि इसमें वाटर की जो कंसिस्टेंसी वो ज़्यादा होती है, और यानी कि डायरिया जो है वाटरी स्टूल में आता है, इसकी वजह से क्या है, म्यूकस सिक्रीट होता है इसमें। एंड द एक्स्ट्रा वॉल्यूम एंड द रैपिड विद विच इज रीच द रेक्टम कॉजेज रेक्टल डिस्टेंशन रिजल्टिंग इन द इंटेंस अर्ज ऑफ द डिफेक्टेड। एक्स्ट्रा वॉल्यूम होने की वजह से, यानी कि रैपिड बार बार जो है स्टूल आने की वजह से जो एनस है उसको नुकसान पहुँचता है, और रिजल्ट क्या होता है, अर्ज होती है बार बार स्टूल करने की। एंड कलर ऑफ द स्टूल कैन वेरी फ्रॉम द लाइट ब्राउन टू येलो टू ग्रीन। जो कलर होता है स्टूल का वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाता है, और लाइट ब्राउन से येलो होना शुरू हो जाता है, और येलो से वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है। बिसाइड द इंटेंस अर्ज ऑफ द डिफेक्ट देयर मे बी अ अबडोमिनल क्रैम्प नोजिया एंड पेनफुल बर्निंग सेंसेशन एट द एनस। बार बार अर्ज होने, यानी कि स्टूल की बार बार अर्ज होने की वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प हो जाते हैं, यानी कि एब्डोमिन में क्रैम्प होने शुरू हो जाते हैं, नोजिया हो जाता है, और बर्निंग यानी कि पेनफुल बर्निंग फील होने लग जाती है एनस में। एज द डायरिया स्टूल आर एसिडिक, फ्रीक्वेंट पैसेजेस ऑफ दिस एसिडिक स्टूल कैन कोज द एनल सोरनेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन अराउंड द एनस। जो स्टूल होता है वो एसिडिक होना, अगर स्टूल जो है वो एसिडिक होगा तो ये एसिडिक स्टूल क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कर देगा, यानी कि एनएस के अराउंड जो स्किन होती है, जो स्किन एनएस पर होती है, वो वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, और जो पेनरियल टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ डायरिया, डायरिया किस वजह से होता है। डायरिया इज कॉज बाय द म्यूकोसल डैमेज बाय द ऑर्गेनिज्म और देयर टॉक्सिन्स। तो डायरिया क्यों होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो म्यूकोजल को डैमेज कर देते हैं और उनके टॉक्सिन्स होते हैं, म्यूकोजा जो है वो डैमेज हो जाते हैं और डायरिया की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि सेल्मोनेलेसिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, एमोबिलाइसिस एंड फूड पॉइजनिंग, जिसे फूड पॉइजनिंग को हम क्या है, जिसकी वजह से डायरिया ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है इसमें डाइट्री इनसिक्रीशंस। इंडिविजुअल वेरी इन देयर टॉलरेंस टू सम फूड एंड फ्लूड्स, यानी कि हर एक इंडिविजुअल फूड को डाइजेस्ट करना या फिर उसको टॉलरेंस करने की अपनी अपनी जो है कैपेसिटी होती है। सम पीपल मे हैव एलर्जीज टू सर्टेन फूड एंड रिस्पोंड विद द डायरिया टू द एलर्जन, यानी कि कुछ एक लोगों को फूड से एलर्जी होती है
लेकिन दूसरे पर्सन को उस फूड से एलर्जी नहीं होती है। तो ये हर एक पर्सन की टॉलरेंस की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और उसके बाद मेडिकेशन आ जाता है इसमें। सम मेडिकेशन आर इरिटेंट टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि कुछ मेडिसन्स ऐसी होती हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए इरिटेंट होती है, यानी कि उसके लिए सुटेबल नहीं होती है, एंड कोज डायरिया एज साइड इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या है डायरिया हो सकता है। यानी कि कुछ मेडिसिन है जो पर्सन के लिए हेल्पफुल नहीं होती है, बल्कि उनको वो डायरिया कोज कर देती है, यानी कि उनका साइड इफेक्ट मेडिसिन का क्या होगा, वो डायरिया कोज करती है। जैसे एंटीबायोटिक्स, आयरन एंड प्रिपरेशंस, तो ये सारी क्या हैं, कुछ पेशेंट्स को इफेक्ट करती हैं और डायरिया कोज करती हैं। इसके बाद आता है नर्सिंग केयर इन डायरिया। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरिया वाले पेशेंट को, वो कैसे किस तरह से केयर कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। द फ्लूड लॉस फ्रॉम द बॉडी शुड बी रिप्लेस इमिडिएटली टू प्रिवेंट द शॉक एंड द कोलैप्स ऑफ द क्लाइंट, यानी कि जैसे कि उसे कंटिन्यू वाटरी स्टूल आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी में फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको शॉक या फिर किसी तरह का कोलैप्स हो सकता है। तो नर्स की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि वो पेशेंट के बॉडी में फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को बनाए और उसकी कमी को पूरा करें। वेन ओरल फ्लूड आर टॉलरेटेड बाय द क्लाइंट, द फ्लूड मे बी गिवन इन द प्रायोरिटी ओरली, यानी कि अगर पेशेंट जो है वो ओरली फ्लूड ले सकता है तो उसे ओरल फ्लूड जो है दे करके उसकी कमी को पूरा करना है। इफ़ देयर इज़ अ मार्क्ड डिहाइड्रेटेड द फ्लूड कैन गिवन बाय द आईवी रूट्स, यानी कि अगर पेशेंट जो है ओरली नहीं ले पा रहा है तो उसे आईवी के थ्रू फ्लूड की कमी को पूरा करना है। पोटेशियम लूजेज मे बी ग्रेट विद डायरिया एंड देयर फॉर फूड एंड द फ्लूड कंटेन द पोटेशियम शुड बी इनक्रेज्ड, यानी कि अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो इससे क्या है डायरिया में पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हो सकता है पेशेंट को फूड में डायरिया की पोटेशियम से रिलेटेड फूड्स को देना चाहिए और उसको देने के लिए इनकरेज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है इसमें स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ द ब्लैंड फूड मे बी हेल्पफुल टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट को पेशेंट को क्या है ब्लेंडेड फूड, यानी कि जो लिक्विड से बना होता फूड बना होता है, जैसे कि खिचड़ी दलिया होता है, वो क्या है ज़्यादा उसको चबाने की ज़रूरत नहीं होती पेशेंट को, वो एक फ्लूड की तरह उसको ले सकता है। तो उसमें क्या है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी उसकी जल्दी पूरी हो जाती है और वो जल्दी से उसको डाइजेस्ट भी कर पाता है। अवॉइड फूड कंटेनिंग द चिल्ड स्पाइसेस, एक्सेसिव हॉट एंड कोल्ड फूड, यानी कि पेशेंट को ज़्यादा ठंडा या फिर स्पाइसी मसालों वाला फूड नहीं देना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं देना है और ठंडा फूड भी नहीं देना है, बिकॉज दे स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, यानी कि उस टाइम पर पेशेंट की कंडीशन क्या है पेरिस्टाल्सिस उसको हो सकती है। देन थर्ड आता है इसमें मेक अरेंजमेंट फॉर द यूज़ ऑफ बेड पेन एंड कम्बोर्ड विद प्लेस इन द कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल प्लेस, यानी कि पेशेंट को जैसे कि वाटर स्टूल आ रहा है तो उसके बेड के पास ही बेड पेन होना चाहिए, कम्बोर्ड होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें केयर ऑफ द स्किन। स्किन एक्सुग्रेशन अराउंड द एनल रीजन मे बी प्रिवेंटेड बाय द प्रॉपर क्लीनिंग एंड ड्राइंग ऑफ द एरिया आफ्टर ईच इन्फेक्शन, यानी कि पेशेंट जिस वक्त भी स्टूल के लिए जाता है उस टाइम पर उसकी स्किन को, यानी कि एनस रीजन को क्या है एनल रीजन को है अच्छे तरह से क्लीन करना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे क्या है इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर वो जो है वेट रहेगा तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको ड्राई रखना है और क्लीन रखना है। उसके बाद आता है एडिक्वेट रेस्ट। रिड्यूसिंग द फिजिकल एक्टिविटी इज़ हेल्प टू लेसिंग द बाउल एक्टिविटी। पेशेंट को जितना हो सकता है रेस्ट देना चाहिए, यानी कि पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी को कम करना चाहिए और जितना हो सकता है कि उसको जो वाटर स्टूल पेशेंट को आ रहा है और मेडिसिन दे करके उसको कम करना चाहिए। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इफ द कॉज ऑफ द डायरिया इज सस्टेन्ड एंगजाइटी द क्लाइंट शुड बी रीअश्योर्ड। तो इस वक्त पर पेशेंट को क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, बिकॉज मान लीजिए कि पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम की वजह से एंगजाइटी हो जाती है, यानी कि पेशेंट डरने लग जाता है, घबराने लग जाता है, तो उस टाइम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, उसकी हेल्प करनी है।
देन सेवन्थ पॉइंट आता है इसमें मेडिकेशंस। द यूजुअल मेडिकेशन विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द क्लाइंट विद डायरिया आर एंटी डायरेटिक्स एंड डेमुलसेंट, एस्ट्रिजेंट, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, सिडेटिव एंड एंटी स्पैज़मोडिक्स। तो जब पेशेंट को डायरिया होता है तो मेनली पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एंटी डायरेटिक दी जाती है, डेमुलसेंट दिया जाता है, एस्ट्रिजेंट दिया जाता है, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक्स दी जाती हैं, सेडेटिव एंड एंटीस्पैज़मोडिक मेडिसिन जो है पेशेंट को दी जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर कुछ भी अगर आपको डाउट हो, टॉपिक समझ में नहीं आया हो, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके पॉइंट्स को क्लियर करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।